Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tehreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 1 Chapter Number 5 and the name of the chapter is Helping Others की exercise को solve करेंगे. Oral communication, phonics. Say the given names of the given pictures and match them with their correct diagraph. First of all, let me remember you that what is a diagraph? Diagraph क्या होता है? A diagraph is a group of two consonants that make a single sound. For example, sh in ship. जी हाँ जी, दो ऐसे consonants के जिनको हम साथ लिखें और वो दोनों मिलकर एक ही sound produce करें. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है word ch, ch, ch. From ch, the word is chin. मैं c की sound और H की साउंड अलहदा नहीं बोल रही, मैं इसको एक ही साउंड दे रही हूँ, जैसे कि चिन, च, चिन. इसी तरह पी एच, फोन. और इस जैसी एक्टिविटी आपको इसके नीचे दी गई है. से द गिवन नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर करेक्ट डायग्राफ्स. जी हाँ, यहाँ पे आपको तीन डायग्राफ दिए गए हैं, च, फ एंड थ. इनकी फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशंस को देखते हुए आपने इनको इनके सूटेबल वर्ड्स के साथ मैच करना है, यानी कि जहाँ पे इनकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 36 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, स्पीकिंग स्किल्स. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन कमांड्स विद योर फ्रेंड्स. जी हाँ, यहाँ पे कुछ कमांड्स यानी कि कुछ ऑर्डर, कुछ अहकाम दिए गए हैं जो कोई एल्डर या कोई बड़ा या कोई भी आपका फ्रेंड आपको कहेगा और आप उसके रिस्पॉन्स में कौन से अलकाबाद या कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे. नंबर वन, रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग. यस टीचर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. ओके ग्रैंड मदर, डोंट मेक अ नॉइज. यस मदर, सिट क्वाइटली. यस फादर. लैंग्वेज फोकस, लर्निंग टू स्पेल. चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो. जी हाँ, यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं जो आपकी ही इसी चैप्टर से लिए गए हैं. चैप्टर में इन अल्फाज को यानी कि इन वर्ड्स को ढूंढिए और इनके सही स्पेलिंग्स बताइए. जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड है अपसेट, अपसेट एंड अपसेट. सो कौन सा वर्ड सही है, स्पेल करके बताइए. यू पी एस आई टी, नो. यू पी एस ए टी, नो. यू पी एस ई टी, यस. इट्स द करेक्ट स्पेलिंग. इसी तरह हमारे पास वर्ड दिया गया है आइडिया और हाउस. इसके सही स्पेलिंग आप चैप्टर के अंदर ये वर्ड्स ढूंढिए और वहाँ से देखिए. उसके बाद हमारा अगला जो सवाल है, यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके अंदर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है. आपने वो मिसिंग अल्फ़ाबेट फिल करना है. फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू द कम्प्लीट द वर्ड्स. नंबर वन, अलोन. नंबर टू, फादर. नंबर थ्री, स्टडी. एंड नंबर फोर इज हैप्पीनेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.